सर्वदा पहला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से गुरु नानक देव जी के 550 साल गुरुपर्व को समर्पित जो 50 लेबोरेटरीज खोलने का एक ट्रस्ट ने फैसला किया था, तो अभी दिसंबर तक 50 हमारी पूरी हो जाएंगी और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल गुरुपर्व को समर्पित 50 लैब और खोल रही हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K, राजस्थान और दो तीन स्टेट हैं, वो भी हम कवर करेंगे। और आज दादू गांव में हमारे बहुत ही सत्कार योग SP साहब ने इस लैब का आज उद्घाटन किया और पब्लिक को समर्पित कर दिया है। यहाँ बताने योग है कि ये टेस्ट जो है सिर्फ 11-12% की वैल्यू के ऊपर किए जाते हैं, कि बहुत सस्ते हैं, कि आम आदमी जो है वो करा सकता है। कुछ टेस्ट हमारे फ्री हैं इसमें, और 25-26 ऐसे टेस्ट हैं जो सिर्फ 5 रुपये, 10 रुपये या 15 रुपये चार्ज किए जाते हैं। सो इस तरीके से, तो इसलिए मैं आज बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि इन्होंने बहुत सहयोग दिया, ये बिल्डिंग पूरी तैयार की बहुत जल्दी और आज लैब जो है वो उसका उद्घाटन किया गया। कमेटी के लिए हमने बाबा जी को पहले दी थी 5 लेबोरेटरीज दी थी, लेकिन जो बाकी और हमारे यहाँ ट्रस्ट के जैसे सिरसा में एक लेबोरेटरी अभी बहुत जल्दी खोल रही है, सो 7 लेबोरेटरीज हम और दे रहे हैं। सो हरियाणा को 12 लेबोरेटरीज जड़ी हैं ये हमने अलॉट की हैं, और मेरा ख्याल है 31 मार्च से पहले ये 12 की 12 जो है वो ऑपरेशन में आ जाएंगी। हरियाणा में ऑलरेडी हमने 6-7 एम्बुलेंसेस दी हुई हैं, जैसे यमुनानगर में दी है, करनाल में दी हुई है, ये पहले है दी। और यहाँ आज इन्होंने, जब बाबा जी ने कहा कि यहाँ ज़रूरत है, यहाँ हॉस्पिटल है 2 स्टोरी और ज़्यादा डिलीवरीज का यहाँ होता है, तो किसी टाइम भी एमरजेंसी पड़ सकती है, और इस हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो उनको हम जो वैन है, जो पूरी एम्बुलेंस है वो हम पहुँचा देंगे यहाँ। सर, दादू साहब विखे अज जो मेडिकल लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी सरदार SP सिंह जी ओबराए, जो इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ने, वह खुद आए हैं, और साढ़े माणयोग श्री अरपत जैन जी IPS जो साढ़े SP सिरसा ने, और साढ़े सरदार उदय सिंह जी जो SDM ने कालांवाली, होर बहुत सारिया मौजज हस्तियां जिहड़ियां ने, उन्हां ने अज इस मैडिकल लैबोरेटरी का उद्घाटन किया। और नाल ही मैं दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करदा सारे ही सत्कारयोग जिन्ने भी साढ़े इत्थे आए ने, सत्कारयोग आगू साहिबान और सत्कारयोग अफसर साहिबान, उन्हां दा धन्नवाद करदा। और जिहड़ा ओबराए साहब ने इत्थे, असीं मौके ते इक एम्बूलेंस की गल की कि सानूं इत्थे जो सरकारी हॉस्पिटल है 2 मंजिला साढ़े कोल, और एम्बूलेंस की बड़ी घाट है, तो उन्होंने मौके पर ही इस गल का ऐलान किया और कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जी एम्बूलेंस है वो साढ़े को गुरद्वारा दादू साहब विखे इतने पहुँच जाऊगी। इस करके मैं इन्हों का धन्नवाद करदा, बड़े वे सेवा के कार्य कर रहे हैं। और इस तरह जो हरियाणा के वख-वख थावां ते 5 जिहड़ियां लैबोरेटरियां सानू हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दित्तियां, जो अज चीका विखे भी उद्घाटन हो जा रहा, सो मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा सारे ही जिन्हें सत्कारयोग सज्जन आए, सब का धन्नवाद। गुरु कृपा करे इहदा वध तो वध संगतां जिहड़ा उह लाभ उठा सकन, ते इस तों अगां वी वड्डे उपराले जिहड़े आ उह सरदार ओबराए साहब करन, और जिहड़ा समां दित्ता उन्हां ने इत्थे आउण दा, और साढ़े SP साहब जी ने, मैं इस गल का बहुत बहुत धन्नवाद करदा, और सारिया संगतां दा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये दादू गांव में संत दादूवाल जी और सरदार ओबराए साहब के इनिशिएटिव से और जो पूरी कमेटी है उसके सपोर्ट से ये पैथोलॉजी लैब आज शुरू हुआ है, जिससे इस पूरे एरिया को बहुत सहयोग मिलेगा, और ये काफ़ी सस्ते, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में यहाँ सारे टेस्ट हैं, जिनको करवाने के लिए एक तो लोगों को दूर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और कई बार काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें भी जो है टाइम वेस्ट हो जाता है और सही टाइम पर रिपोर्ट नहीं आ पाती, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और ओबराए साहब ने यहाँ के लिए एक एम्बुलेंस भी डोनेट की है, तो इस एरिया के लोगों को काफ़ी उससे हेल्प रहेगी, स्पेशली यहाँ डिलीवरीज काफ़ी होती हैं, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, क्योंकि उनका डिलीवरी के टाइम पर 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो एक तो उनको घर से लाना या कहीं रेफ़र करना उनको किसी दूसरे सेंटर पर, तो वो टाइम बचेगा, और इससे मुझे लगता है कि कई जानें बचेंगी और काफ़ी हेल्दी डिलीवरी हो पाएगी। तो इन सभी का यहाँ धन्यवाद, और आशा है कि आगे भी ऐसे ही समाज सेवा के सब लोग मिलकर इनिशिएटिव लेते रहेंगे और हम अच्छे एक समाज निर्माण के लिए लगे रहेंगे।